हेलो एवरीवन, जय स्वामीनारायण। दिस इज एसएसआईटी गांधीनगर यूट्यूब चैनल। मायसेल्फ प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट है हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जो 8 सेमेस्टर सिविल में है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आगे ही आपको बताया था कि हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग 2 पार्ट में है। पार्ट ए हार्बर इंजीनियरिंग, सेकंड पार्ट है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। हमने हार्बर इंजीनियरिंग के सीरीज लेक्चर स्टार्ट किए हैं, उनमें से पार्ट ए हार्बर इंजीनियरिंग में चैप्टर 1 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं चैप्टर 2 हार्बर प्लानिंग के बारे में। ऑलरेडी चैप्टर 2 हार्बर प्लानिंग में लेक्चर नंबर 4 में हमने साइज ऑफ द हार्बर के बारे में डिस्कस किया था, जो हम सबको पता है कि जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट थे जो मैंने आपको समझाए थे कि साइज ऑफ हार्बर क्या है। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 5 शिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5 शिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्बर इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले हम सिलेबस पे आ जाते हैं फिर से। तो जिस हिसाब से हम सबको पता है कि जो सिलेबस है हार्बर इंजीनियरिंग पार्ट ए, उनमें से चैप्टर 2 हार्बर प्लानिंग में हमने हार्बर कंपोनेंट के बारे में, साइज ऑफ द हार्बर, फिर हार्बर का जो प्लानिंग था उसके बारे में, साइट सिलेक्शन कैसे किस हिसाब से करते हैं, लेआउट किस हिसाब से, वो सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम शिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 प्लानिंग है हार्बर प्लानिंग, वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो हम शिप कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें नेचुरल फिनोमिना और अदर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ शिप कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इमेज देखिए। तो हम सब ने वेसल्स यानी शिप, नेवल शिप बहुत बार देखा है। ठीक है, ये सब इमेज वही है। ठीक है, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जैसे हम व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इस हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे, तो वो जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो डेफिनेशन है, लोड लाइन है, डिस्प्लेसमेंट लोड है, डिस्प्लेसमेंट लाइट है, बहुत सारी डेफिनेशन है जो GDU एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सिंस हार्बर इज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रोवाइडिंग बर्थिंग एंड कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी फॉर द शिप, इट इज़ नेसेसरी टू बी फेमिलियर विद द वेरियस शिप फीचर रिलेटेड टू द हार्बर प्लानिंग, कि जितने भी शिप फीचर्स हैं उसके साथ फेमिलियर होना चाहिए, ये हार्बर प्लानिंग की नेसेसिटी है। तो जो शिप फीचर्स है या तो शिप कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन है वो समझ लेंगे। कि सबसे पहले लोड लाइन, लोड लाइन क्या है, इट इंडिकेट अ लाइन शोइंग द वाटर लेवल टू विच दे मे लीगली बी लोडेड, यानी कि जो वाटर लाइन जहाँ पे लीगली हमारा जो कार्गो है वहाँ पे उतनी साइज में लोडेड होने वाला है। ठीक है, तो बाकी का पोर्शन हटा के जितना भी हमारे पास, हमारे सामने शिप में जो लाइन दिखाई दे रही है वो लोड लाइन होगी। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट लोड और डिस्प्लेसमेंट लाइट। सिंपल डेफिनेशन है, लोड के लिए क्या है कि द वेट ऑफ द शिप एंड इट्स कंपोनेंट व्हेन फुल्ली लोडेड विथ कार्गो टू द लोड लाइन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट लोड। लोड लाइन पे जितना भी हम वेट रखने वाले हैं वो जब फुल्ली लोडेड होगा, मतलब कि शिप पूरा कंप्लीट फुल होगा, उसका जो वेट होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट लोड कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट लाइट क्या है कि द वेट ऑफ द शिप विदाउट कार्गो, अपना जो कार्गो है यानी कि फ्यूल है, जितना स्टोरेज है, ठीक है, और कार्गो के विदाउट जो शिप का वेट होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट लाइट बोलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन है, लोड और लाइट के बीच में डिस्प्लेसमेंट लोड वो है कि जिसमें हम जो शिप है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में भरा हुआ है, यानी कि फुल्ली लोडेड विथ कार्गो टू द लोड लाइन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट लोड। एंड द वेट ऑफ द शिप वेट विदाउट कार्गो, विथ कार्गो नहीं, विदाउट कार्गो फ्यूल एंड स्टोर इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट लाइट। तो हियर 2 डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट लोड एंड डिस्प्लेसमेंट लाइट। तो आप हम यहाँ पे 3 डेफिनेशन देख सकते हैं, लोड लाइन, डिस्प्लेसमेंट लोड और डिस्प्लेसमेंट लाइट, जो GDU एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में भी डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे हम नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
ये तीन डेफिनेशन देख सकते हैं, लोड लाइन, डिस्प्लेसमेंट लोड और डिस्प्लेसमेंट लाइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये जो शिप है, मैंने पूरा शिप यहाँ पे इंडिकेट किया है। यहाँ पे बहुत सारे और फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पे हम जो मेजर है उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। तो ये जो पोर्शन जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ वो लोड लाइन पोर्शन है, जहाँ पे कार्गो लोड होने वाला है, ठीक है। विदाउट कार्गो उसको हम डिस्प्लेसमेंट लाइट बोलेंगे और विथ कार्गो हम डिस्प्लेसमेंट लोड बोलेंगे। तो यहाँ पे शिप आप देख सकते हो, जिसका जो फॉरवर्ड पोर्शन है और बैकवर्ड पोर्शन है उसके हिसाब से हम डेफिनेशन जो आपने मैंने यहाँ पे बताई। अब जो हमने लोड लाइन, डिस्प्लेसमेंट लोड और डिस्प्लेसमेंट लाइट का जैसे जिस हिसाब से शिप कैरेक्टरिस्टिक में वो आपको समझा है, सिमिलरली कुछ तीन और डेफिनेशन है। तो यहाँ पे है ग्रॉस रजिस्टर टनेज, जिसे GRT बोलते हैं, नेट रजिस्टर टनेज NRT एंड डेड वेट टनेज, जिसको हम DWT बोलते हैं। तो बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बट यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है, GTU एग्जाम में कई बार वो भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस रजिस्टर टनेज। ग्रॉस रजिस्टर टनेज क्या है कि दिस इज द टोटल मेजर इंटरनल कैपेसिटी ऑफ अ शिप एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ 2.83 मीटर क्यूब और 100 क्यूब फीट। तो यहाँ पे जो एक बात याद रखनी है कि जो शिप की कैपेसिटी है उसको हम 2.83 मीटर क्यूब यूनिट में हम एक्सप्रेस करेंगे या तो 100 क्यूब फीट में एक्सप्रेस करेंगे। तो इस मेजरमेंट के साथ जो टोटल इंटरनल कैपेसिटी है शिप की उसको हम ग्रॉस रजिस्टर टनेज बोलेंगे, GRT। और अगर दिस इज द कैप कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ शिप एक्सप्रेस इन अ यूनिट, फॉर एग्जाम्पल नेट रजिस्टर टनेज कैपेसिटी कितनी है कि जो शिप है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम नेट रजिस्टर टनेज यानी NRT बोलेंगे। तो GRT और NRT आपको समझ में आ गया। डेड वेट टनेज क्या है, DWT। DWT का मतलब ये हुआ कि दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द शिप बाय वेट, इट इज अ वेट ऑफ कार्गो, फ्यूल, स्टोरेज, पैसेंजर एंड क्रू। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट लोड है, ठीक है, हमको सिर्फ ओनली कैरिंग कैपेसिटी, ओनली डेड वेट ऑफ शिप फाउंड करना है। तो हमने आगे डेफिनेशन देखी थी डिस्प्लेसमेंट लोड, ठीक है, तो यानी कि जो विथ जो पूरा शिप का वेट है विथ कार्गो, एंड डिस्प्लेसमेंट लाइट यानी कि विदाउट कार्गो, विदाउट कार्गो जो शिप का वेट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट लोड में से डिस्प्लेसमेंट लाइट का हम डिडक्ट कर देंगे तो जो बाकी जो मटेरियल बचा, ठीक है, उसका वेट रहेगा। तो जो भी शिप पे कार्गो है, फ्यूल है, स्टोर है और पैसेंजर है या तो पैसेंजर क्रू है, ठीक है, उनका जितना भी वेट होता है उसको हम डेड वेट टनेज बोलेंगे, जिसकी डेफिनेशन होती है DWT। DWT इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लोड माइनस डिस्प्लेसमेंट लाइट। इस हिसाब से हम इस तीनों डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने अपने नोटबुक में GRT, NRT, DWT, डिस्प्लेसमेंट लोड, डिस्प्लेसमेंट लाइट, ये सभी डेफिनेशन नोट डाउन कर दो, ठीक है, और इसके फुल फॉर्म के साथ नोट डाउन कर दो। कास्ट DWD का जो इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट लोड माइनस डिस्प्लेसमेंट लाइट, ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो डिस्प्लेसमेंट टनेज है। डिस्प्लेसमेंट टनेज क्या है, दिस इज द एक्चुअल वेट ऑफ द शिप, इट इज़ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वैन अ फ्लोट एंड मे बी आइदर लोडेड और लाइट। क्या है कि एक्चुअल वेट ऑफ द शिप, शिप का एक्चुअल वेट होता है जो टोटल वेट, यानी कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, जिस हिसाब से वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस होता है वैन, जब जो वेसल्स है वो फ्लोट कर रहा है, और मे बी आइदर लोड, जब लोड कर रहा है या तो लाइट कर रहा है, तब जो एक्चुअल वेट होता है शिप का, उस शिप के वेट को हम डिस्प्लेसमेंट टनेज बोलेंगे। और डेफिनेशन है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मीनिंग होता है इट इज़ द डेप्थ ऑफ द कील ऑफ द शिप बिलो द वाटर लेवल, यानी कि जो कील है वहाँ से लेके वाटर लेवल तक जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ है, उसको हम ड्राफ्ट बोलेंगे। आगे ही हमने साइज ऑफ द हार्बन में ड्राफ्ट को हमने डिफाइन किया था। सो सिमिलरली आगे जो हमने डेफिनेशन देखी वो है डिस्प्लेसमेंट लोड, डिस्प्लेसमेंट लाइट, GRT, NRT, ठीक है, उसके साथ साथ हमने डिस्प्लेसमेंट टनेज देखा, और दूसरा है ड्राफ्ट। अब दो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कार्गो टनेज एंड बैलास्ट। कार्गो टनेज क्या है, इट इज़ अ कॉमर्शियल एक्सप्रेस विच फॉर्म
द बेसिस ऑफ फ्रेट चार्ज, ये जितने भी फ्रेट चार्ज है ठीक है वो कॉमर्शियल एक्सप्रेशन विच इज़ फ्रॉम द बेसिस ऑफ फ्रेट चार्ज इट कैन बी मेजर बाय वॉल्यूम और वेट, कि जितने भी हम कार्गो मटेरियल ठीक है उसके वेट के हिसाब से जो शिप में भरते हैं ठीक है, तो उसके साथ साथ उसको हम यूनिट में जिस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे कॉमर्शियल यूनिट में ठीक है, कि इतना कॉमर्शियल फ्रेट है उसका इतना चार्ज है, तो वो जो कार्गो का जो चार्ज है उसके साथ साथ जितना वेट है उसको हम कार्गो टनेज बोलेंगे ठीक है। दूसरा है बैलास्ट, बैलास्ट भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इट इज़ द वेट एडेड इन द बैलास्ट कंपार्टमेंट ऑफ अ शिप टू इंक्रीज इट्स ड्राफ्ट आफ्टर इट हैज़ डिस्चार्ज इट्स कार्गो एंड टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी। सो दोस्तों ये सब डेफिनेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी शिप कैरेक्टरिस्टिक के लिए ठीक है, जो मैंने लास्ट में आपको बैलास्ट भी समझाया कि कुछ ऐसा वेट जो स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हम रखते हैं। अब यहाँ पे शिप कैरेक्टरिस्टिक के कुछ स्केमेटिक डायग्राम में शिप के हम कंपोनेंट देख सकते हैं, तो शिप का जो पोर्ट साइड है जहाँ से हम कार्गो लोड लोड अनलोड करेंगे ठीक है, जो सी साइड है उसको हम स्टारबोर्ड साइड बोलेंगे, सी साइड और पोर्ट साइड को हम पोर्ट साइड बोलेंगे, फॉरवर्ड जो पॉइंट होता है उसको हम बो बोलेंगे, लास्ट जो पॉइंट होता है उसको हम स्टैंड बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ जिस हिसाब से मैंने इंडिकेट किया है इस इमेज को आप इस ग्राफ को आप ड्रॉ करके आप समझ सकते हो डायग्राम को, तो ये जो क्वार्टर है वो पोर्ट क्वार्टर है ठीक है, और ये स्टारबोर्ड बो है ठीक है, उसके साथ साथ ये स्टारबोर्ड क्वार्टर है, मतलब कि स्टारबोर्ड साइड यानी कि जो सी साइड है जिसके तरफ के जो शिप का फेस सी साइड के तरफ है उसको स्टारबोर्ड साइड बोलेंगे, और पोर्ट के तरफ है जहाँ पे कार्गो को लोड अनलोड करेंगे उसको पोर्ट साइड बोलेंगे ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट देख सकते हैं ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है फॉरवर्ड बैकवर्ड के साथ साथ इनबोर्ड और आउटबोर्ड ठीक है, तो ये आप स्केमेटिक डायग्राम सिंपली देख सकते हो। जैसे कि मैंने आगे भी आपको एक इमेज दिखाई थी जिसमें शिप के बहुत सारे कंपोनेंट थे ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कंपोनेंट यहाँ पे इंडिकेट किए हैं ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पीछे का पोर्शन है वो स्टार्ट बोर्ड है, ये बो पोर्शन है फॉरवर्ड पोर्शन है, और बीच में जो कार्गो का है वो पोर्शन है ठीक है, तो इसको सी साइड बोलेंगे, उस तरफ हम उसको पोर्ट साइड बोलेंगे। तो इस हिसाब से आप ये इमेज देख के आप शिप कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज में बहुत सारे कंपोनेंट दिखाए शिप के, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाए, उनमें से हुल यानी कि जो मेन बॉडी है उस पार्ट को हम हुल बोलेंगे, सेल प्लेटिंग किस बोलेंगे तो साइड ऑफ द हुल जो बीच वाला पोर्शन है उसका जो साइड रहेगा उसको हम साइड ऑफ द हुल बोलेंगे, बिल्ज है ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ साइड ऑफ प्लांटिंग एंड बॉटम प्लांटिंग, और कील है तो जो बैकबोन ऑफ द शिप है, जो जैसे हमने आपको डिफाइन किया था कि ड्राफ्ट की डेप्थ फाइंड करने के लिए कील इंपॉर्टेंट है, कि वाटर लेवल से लेके कील का जो पॉइंट है वहाँ तक उसको हम ड्राफ्ट बोलेंगे ठीक है। अदर है फ्रेम्स है कि यानी कि जो कील के साथ फास्टन किया है रनिंग करने के लिए, और उसके साथ साथ जो हुल रेफरेंस है बहुत सारी चीज़ है, ट्रिम है कि द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेम एंड AFT ड्राफ्ट, तो ये सब बहुत ही डिटेल में मैंने यहाँ पे रखा है, बट आपको यहाँ पे कुछ तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बैलेंस्ड आपको फिर से समझा रहा हूँ कि वेट जो हम ऐड करते हैं लोअर पार्ट पे शिप को बैलेंस करने के लिए ठीक है, जब वो लोड अनलोड होता है तो हम एक्स्ट्रा वेट ऐड करते हैं ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बैलेंस बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शिप स्ट्रक्चर है यहाँ से देख के आप नोट डाउन कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है GTU के लिए वो मैंने ऑलरेडी आगे समझा दी है, बट ये जो शिप कैरेक्टरिस्टिक है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर समझना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ, जैसे ही मैंने शिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करी फटाफट रिवाइज कर देते हैं, लोड लाइन डिस्प्लेसमेंट लोड और डिस्प्लेसमेंट लाइट पहली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था इसी वीडियो में, फिर GRT ग्रॉस रजिस्टर टनेज, NRT नेट रजिस्टर टनेज, डेड वेट टनेज, DWT ठीक है, DWT इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लोड माइनस डिस्प्लेसमेंट लाइट, ये छह डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ और भी डेफिनेशन थी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टनेज, ड्राफ्ट, कार्गो टनेज और बैलास्ट।
तो यहाँ पे देख सकते हो कार्गो टनेज, बैलास्ट, ड्राफ्ट और डिस्प्लेसमेंट लोड। तो ये सब डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो ये सब है शिप कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको टोटली समझाया है कि जैसे ही हमने डिस्प्लेसमेंट लोड समझा इस हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा जो ये लेक्चर है कंप्लीट होता है शिप कैरेक्टरिस्टिक का। आगे नेचर में हम जो चैप्टर 3 है नेचुरल फिनोमेना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप आज के लेक्चर में सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।